The next topic which we need to study is movement along a demand curve and shift in demand. थोड़ा इस तरह से समझना इसको कि देखिए भाई डिमांड में चेंजेस दो तरह के होते हैं. एक तो हुआ मान लीजिए प्राइस एंड क्वांटिटी लेकर के मैंने एक डिमांड का शेड्यूल बना दिया है ना. प्राइसेस आर 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूजुअल. क्वांटिटी ले लेते हैं 5, 4, 3, 2 और 1. मैं दो तरह के चेंजेस आपको दिखाऊंगा इसमें. एक तो चेंज हुआ कि अगर प्राइस बदल जाए, अगर जैसे मान लीजिए करंट प्राइस इज 2 एंड वो करंट प्राइस चेंज होकर के 4 हो जाए तो क्या क्वांटिटी चेंज होगी? हाँ, नेचुरली क्वांटिटी 4 से 2 पे पहुंच जाएगी. 4 से 2 पे या 2 से 4 पे पहुंचने को हम बोलते हैं मूवमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. और इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, ओनली वन रीजन, और वो रीजन क्या है? चेंज इन प्राइस. हमने देखा ना अभी प्राइस चेंज हो गया था 2 से 4 हो गया था. फिर से समझना, प्राइस 2 से 4 हुआ तो हम 4 से 2 पे पहुंच गए, या प्राइस 4 से 2 होता तो हम क्वांटिटी में 2 से 4 पे पहुंच जाते. ये जो भी चेंज है प्राइस की वजह से हो रहा है. दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि इसका एक ही रीजन है, दैट इज चेंज इन प्राइस. कुछ और तो चेंज नहीं हुआ ना, सिर्फ प्राइस चेंज हुआ. दूसरी बात, इसको अपन मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व क्यों बोलते हैं? ये सेम क्यों लिखा? सेम इसलिए लिखा क्योंकि आपका डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ है. समझिए, आपका डिमांड मतलब क्वांटिटी, वो तो वैसा के वैसा ही है ना. क्वांटिटी का शेड्यूल 5, 4, 3, 2, 1, उसमें कोई चेंज थोड़ी हुआ है. सर, क्वांटिटी का चेंज कब होता है? कहने का मतलब मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व ना हो, शिफ्ट कब हो? जब मैं बोलूं कि भैया क्वांटिटी तुम्हारी जो थी ना वो अब क्वांटिटी 1 हो गई है, जो है 10, 8, 6, 4, 2. उसी चीज की अब क्वांटिटीज तुम्हारी डबल हो गई हैं. क्या यहां पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व बदला है? हां बदला है सर, पूरा डिमांड कर्व बदल गया है. इसको मैं दूसरी तरह से हाईलाइट करता हूं. ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया है ना, ये सब है पूरे के पूरे डिमांड कर्व को बदलने वाली बात, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड. कि डिमांड ही शिफ्ट हो गई. इसको तो मैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व नहीं बोल सकता ना, क्योंकि यहां पे डिमांड कर्व सेम है ही नहीं. यहां पे तो डिमांड कर्व बदल चुका है. इसके रीजंस क्या होते हैं सर? इसके रीजंस होते हैं बाकी सारे. इसके रीजंस क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स. सर अदर फैक्टर्स कौन से? याद करिए, मैंने सेट्रिस पेरिबस समझाते हुए समझाया था कि देयर आर टू काइंड ऑफ फैक्टर्स, वन इज प्राइस एंड अनदर काइंड ऑफ फैक्टर्स इज अदर फैक्टर्स. तो सेट्रिस पेरिबस का मतलब था अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट. अब हम उन अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं कर रहे, उनमें चेंजेस कर रहे हैं. द रीजन आर अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में क्या क्या आता है सर? सर पी आर आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. वाई आता है इनकम. टी आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ई आता है एक्सपेक्टेशंस. एन आता है नंबर ऑफ पीपल, जिसको हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं. वाई डी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. सी पी कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. ए सी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. ये सारे रीजन हो सकते हैं किसके? शिफ्ट के. तो सर मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व में एक रीजन, क्या रीजन था? प्राइस का बदलना, प्राइस का चेंज होना. ये प्राइस 2 से 4 हो गया तो हमारी क्वांटिटी 4 से 2 हो गई. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. लेकिन प्राइस कुछ भी रहे, जो वो चेंज हो या नहीं हो, ओवरऑल हमारी जो डिमांड थी वो उसकी जगह से हटके कुछ और हो गई. मतलब ये ब्लू वाला सिनेरियो, दिस ब्लू सिनेरियो इज एग्जांपल ऑफ शिफ्ट इन डिमांड. ये डिमांड में शिफ्ट है. आई थिंक आपको ये
यहां पर तो समझ में आया। अब डायग्रामेटिकली क्या होता है इसमें, आप ये देखिए, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है, जब प्राइस हमारा था लेट से 10, तो हमारी क्वांटिटी थी 5, हमने प्राइस कम कर दिया, 5 कर दिया तो क्वांटिटी बढ़ गई, मान लेते 10, बड़ा आसान। क्या हम सेम डिमांड कर्व पे हैं? हाँ। क्या इस तरह का सिनेरियो जो यहां पे अपन ने ग्रीन में डिस्कस किया था? हाँ सर, वैसा ही है। सर एक काम करते हैं ना, हम फिगर्स भी वही लेते हैं जो यहां ग्रीन में डिस्कस किया था, मतलब 2-4 और 4-2 वाला। ठीक है सर, जब प्राइस था 4 तो क्वांटिटी 2, और जब प्राइस हुआ 2 तब क्वांटिटी थी 4। इस तरह से लेते हैं, हम जानते हैं x एक्सिस पे हमारे पास आता है क्वांटिटी, y एक्सिस पे आता है प्राइस। शो करिए कि क्या हुआ। सर जब प्राइस 2 पे था हम यहां थे, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, जब प्राइस बढ़ के हो गया 4 तो हम पहुंच गए यहां पर। लेट से दिस पॉइंट इज बी, आप ए से बी पे मूव कर रहे हैं या बी से ए पे मूव कर रहे हैं, ये दोनों ही सिचुएशन क्या कहलाएंगी? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, अभी और समझाऊंगा मैं, चिंता मत करिए। मान लेते हैं एक डिमांड कर्व और बनाया हमने, ये है यहां पर, नीचे आ गई क्वांटिटी, प्राइस आ गया वाई एक्सिस पे। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये बताता है, क्या बताता है? 5, 4, 3, 2, 1 वाली क्वांटिटीज बता रहा है। यहां पे 1, 2, 3, 4 और आगे जाके 5, इस तरह से हमारे अलग अलग क्वांटिटीज हैं अलग अलग प्राइसेस पे। ये 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, इस तरह से हमारा ये कर्व है। ये कर्व अपनी जगह छोड़कर के अब आगे बढ़ गया, ये बोल रहा है कि ये क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा, 5 तक नहीं रहेगा, ये 10 तक जाएगा। हमारा कर्व अपनी जगह से आगे शिफ्ट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ द कर्व हैज चेंज्ड, ये तो था वो वाला जो डी था, और ये वो है जो है डी डैश। आपका नया वाला जो कर्व है वो मैं वापस ब्लू कर देता हूं, क्योंकि ब्लू से आपकी एक मेमोरी एसोसिएटेड है कि ये शिफ्ट है। समझिए, यहां पे क्या हम इस जगह से आगे की तरफ खिसक गए, हमारा पूरा पूरा डिमांड कर्व खिसक गया? हाँ सर खिसक गया। ये कैसे शो हो रहा है? जो भी हमने यहां पे ये शेड्यूल देखा है ना, इसमें जो ग्रीन वाली वैल्यूज हैं वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और ब्लू वाली है वो नया वाला डिमांड कर्व है। तो ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व हुआ और ये हुआ नया वाला डिमांड कर्व। शिफ्ट कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड और मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, क्या ये बातें समझ में आई? अगर ये समझ में आया है तो अब थोड़ा अपन थ्योरी के साथ समझते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ढंग से पढ़ना। पहले अपन पढ़ रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मैं कलर्स वही यूज करूंगा जो आपको याद दिलाए ये क्या था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसके और भी नाम, इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझना, चेंज इन डिमांड अलग होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अलग होता है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। चेंज इन डिमांड का मतलब पूरी पूरी डिमांड ही चेंज हो गई, मतलब ग्रीन से हम ब्लू पे पहुंच गए, दैट इज चेंज इन डिमांड। लेकिन ग्रीन में ही 4 से 2 पे पहुंच गए या 2 से 4 पे पहुंच गए, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं इसको? इसको एक और नाम दे दिया मैंने, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का दूसरा नाम चेंज इन डिमांड, नहीं क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है,
एक प्राइस पे कुछ और क्वांटिटी थी, दूसरे प्राइस पे कुछ और क्वांटिटी है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि चेंज इन डिमांड इज डिफरेंट एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज डिफरेंट। सर चेंज इन डिमांड कैसी होती है? चेंज इन डिमांड होती है ऐसी, जैसे यहां पर ये क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गई। मतलब क्या मैं शिफ्ट को बोल सकता हूं, शिफ्ट का दूसरा नाम है चेंज इन डिमांड? हां सर, शिफ्ट का दूसरा नाम है चेंज इन डिमांड। फिर से रटने वाले बच्चे ध्यान दें, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शिफ्ट इन डिमांड को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। फिर से बोलता हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, दोनों अलग अलग बातें हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड का मतलब शिफ्ट इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होती है? प्राइस में चेंज होने की वजह से। चेंज इन डिमांड क्यों होती है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस में चेंज होने की वजह से। और रिपीट करूंगा, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलूं या बोलूं क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ना कि चेंज इन डिमांड, क्योंकि चेंज इन डिमांड कहां है? शिफ्ट में है। अब क्या है ना, जो मूवमेंट है ये दो तरह का हो सकता है। सिर्फ मूवमेंट मूवमेंट पे फोकस करो, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, बताया ना आपको, एक ए से बी पे, एक बी से ए पे। या अगर अपन तीन पॉइंट बना लें, ए से बी पे जाना मतलब ऊपर जाना विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ए से सी पे जाना मतलब नीचे जाना विल बी कॉल्ड एक्सपेंशन। अभी ऊपर नीचे यहां से मत देखो, आप देखो इनके रेस्पेक्ट में क्वांटिटी क्या थी। जब ए वाली सिचुएशन थी डिमांड कर्व पे, तो हमारी क्वांटिटी उस टाइम थी एम, क्या थी क्वांटिटी एम। ए से बी पे पहुंचने पर क्वांटिटी कितनी हो गई? एम से एल पहुंच गई, हां या ना? हां सर। एम ज्यादा है या एल ज्यादा है? सर एम ज्यादा है, तो एल पे पहुंच गए मतलब कम हो गई क्वांटिटी, कम हो गई तो क्या कहना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सुकुड़ना, छोटा हो जाना। एक्सपेंशन होता है बड़ा हो जाना, बढ़ जाना। सो अगर ए से बी पे गए तो एक तरह से डिमांड छोटी हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि प्राइस बढ़ गया, बढ़ गया तो इसको क्या बोले? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो हम ये नहीं देखेंगे ऊपर जा रहे नीचे जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी में क्या हो रहा है। लुक एट द क्वांटिटी, यू विल गेट द रियल पिक्चर। क्वांटिटी में हम एम से एल चले गए, पीछे की तरफ जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज अ नेगेटिव टर्म, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ओवरऑल। ये मूवमेंट किस तरह का है सर? ये मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन नेचर का। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि प्राइस आपका पी से हो गया पी डैश, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो गई। अरे नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन जो घटना हमारे डिमांड कर्व पे हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। आई होप समझ में आया। तो प्राइस के बढ़ने की वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। दिस विल बी कैटेगराइज्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड नॉट एज चेंज इन डिमांड। सर ऐसे एक्सपेंशन समझा दीजिए। बिल्कुल समझाता हूं। एक्सपेंशन समझने के लिए एक बार अपन वापस से ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाते हैं। ये हमारी बेसिक सिचुएशन, मान के चलिए हम है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर हमारी क्वांटिटी कितनी है? एम। ठीक है सर। अब कुछ प्राइस जो था पी वो कम हुआ और पहुंच गए हम पी डैश पर। प्राइस कम हुआ इस बार, प्राइस कम होने की वजह से हम पहुंच गए ऐसे एरिया में जहां पे क्वांटिटी बड़ी हो। कहने का मतलब सी पॉइंट पर जहां पे क्वांटिटी है एन। सुन मैं, कुल मिलाकर के ए से गए हम सी पे, ए से सी पे जाने से हुआ क्या? क्वांटिटी एम से एन हो गई, बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस कम हुआ है। सर प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाए, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। फिर से
हम थे ए पर, ए से गए सी पर, उसकी वजह से क्वांटिटी जो एम थी वो बढ़ के हो गई एन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस जो पी था वो हो गया कम पी वन। एक तरह से हमारी क्वांटिटी बढ़ गई प्राइस की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सपांशन। क्या ये शिफ्ट इन डिमांड या मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व है? सर डिमांड कर्व तो एक ही है, तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हुआ। सर शिफ्ट कैसा होता? शिफ्ट ऐसा होता जब हम यहां से यहां पहुंच जाते। सर ऐसा कब होता है शिफ्ट? जब प्राइस के अलावा फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। फिलहाल तो हमारे सिर्फ प्राइस में चेंज आया है। ठीक है, थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं इसका। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दो तरह का हो सकता है, एक है एक्सपेंशन जब डिमांड बढ़ रही हो, और एक है कॉन्ट्रैक्शन जब डिमांड कम हो रही हो। आप डायग्राम पे मत देखना कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, आप तो ये देखना कि क्वांटिटी में क्या हुआ है। देखें जरा, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। प्राइस में चेंज तो मूवमेंट, प्राइस के अलावा वाली चीजों में चेंज तो शिफ्ट। When quantity demanded increases due to fall in price, quantity demanded क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसकी वजह से? प्राइस कम होने की वजह से। इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। क्वांटिटी बढ़ेगी एक्सपेंशन, क्वांटिटी कम होगी कॉन्ट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू राइज इन प्राइसेस। क्यों हो रहा है ऐसा? राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस के राइज होने की वजह से। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। सो प्राइसेस राइज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, फॉल इन प्राइस की वजह से एक्सपेंशन, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। ठीक है, सो एक्सपेंशन कहूं एक्सटेंशन कहूं एक ही बात है। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात है। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, जब क्वांटिटी कम हो रही है। ऐसा होता है हम जब ए से बी पे जा रहे हैं और एम से एल पे जा रहे हैं, और एक्सपेंशन तब होता है जब ए से सी पे जा रहे हैं, इसका मतलब एम से एन पे जा रहे हैं। समराइज करने के लिए, अगर प्राइस बढ़ा है तो क्या होगा सर क्वांटिटी का? नेचुरली क्वांटिटी कम होनी चाहिए। इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि क्वांटिटी में क्या हुआ वो देखना पड़ेगा। ओके सर, अच्छा सर प्राइस हुआ है कम, जिसकी वजह से क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ा होगा? बढ़ गई होगी सर, लॉ ऑफ डिमांड। उसकी उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। ओके, आई थिंक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। दूसरा नाम क्या है इसका? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड। अब बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, दूसरा नाम चेंज इन डिमांड। क्या नाम है? चेंज इन डिमांड। बताया था मैंने चेंज इन डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज नहीं है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू डिटरमिनेंट्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा वाले जो डिटरमिनेंट्स हैं, कौन से? पी एक्स, पी आर, वाई, टी ई, एन, वाई डी, वो सब उनकी वजह से जो होता है उसको बोलते हैं शिफ्ट। इफ द चेंज इन डिटर्मिनेंट कॉजेज द डिमांड कर्व टू मूव राइटवर्ड तो उसको कहेंगे इंक्रीज, अगर लेफ्टवर्ड तो कहेंगे डिक्रीज। मैं आपको डायग्राम की तरफ से दिखाता हूं। ये देखिए, हमारा डिमांड कर्व था D1 पर और अब कहां पहुंच गया है? सॉरी आई शुड यूज दिस कलर। हमारा डिमांड कर्व कहां था? D1 पर, अब पहुंच गया कहां पे? D2 पे। इस जगह से आप पहुंच गए इस जगह, क्या हुआ होगा? प्राइस में चेंज होता तो ऐसा नहीं होता। आपकी इनकम बढ़ गई होगी या आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा हो गया होगा, इसलिए आप पहले से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। भाई ऊपर वाला डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? कि आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादा डिमांड कर रहे हो, है ना? तो क्या हुआ होगा जिस वजह से आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो? इसमें क्या क्या रीजंस आ सकते हैं? मैंने आपको बताया, इसमें आ सकता है आपका पी आर,
वाई टी ई एन वाई डी सब आ जाएंगे, सीपी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ये सब आ जाएंगे, लेकिन क्या नहीं आएगा, कौन सा चीज इसका रीजन नहीं होगा? इसका रीजन पी एक्स नहीं होगा, पी एक्स इज नॉट द रीजन। ओके ठीक है। इन द अबव डायग्राम डिमांड कर्व हैज मूव फ्रॉम डी वन डी वन टू डी टू डी टू, दिस मूवमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड। तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब हम लेफ्ट से राइट में चले जाएंगे, तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब लेफ्ट से राइट में जाने का मतलब हुआ सर कि हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है। ऑन द अदर हैंड राइट से लेफ्ट जाने का क्या मतलब हुआ? राइट से लेफ्ट गए तो दैट विल बी डिक्रीज इन डिमांड। देखें जरा, ऑन द अदर हैंड इफ चेंज इन डिटर्मिनेंट्स कॉजेस द डिमांड कर्व टू मूव लेफ्टवर्ड इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिटरमिनेंट्स की वजह से क्या हुआ, हम लेफ्टवर्ड चले गए, तो उसको कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। मतलब हम D1 D1 से पीछे की तरफ चले गए इस बार। इस बार भी हमारा डिमांड कर्व चेंज हुआ, लेकिन हम राइट से लेफ्ट की तरफ चले गए, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ चले गए। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारा मूवमेंट कैसा हुआ, लेफ्टवर्ड हुआ, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को ही बोलते हैं डिक्रीज। लेफ्टवर्ड बोलूं या बोलूं डिक्रीज, एक ही बात है। आई होप ये बात भी समझ में आई। ठीक है, सो ओवरऑल ये टॉपिक तो यहां खत्म हो गया, बट आई नीड टू एक्सप्लेन यू फर्दर कि किस चीज की वजह से क्या होगा। मैं समझा रहा हूं शिफ्ट, इसमें एक ले लेते हैं राइट वर्ड और एक ले लेते हैं लेफ्ट वर्ड, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। राइट वर्ड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है? इंक्रीज। किसमें इंक्रीज सर? इन डिमांड। लेफ्ट वर्ड का दूसरा नाम है डिक्रीज इन डिमांड। आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के अंदर या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, या आपसे पूछ सकते हैं कि ये सिचुएशन में क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा या एक्सपेंशन होगा, मतलब इंक्रीज होगा या एक्सपेंशन होगा, या आपसे पूछ सकते हैं डिक्रीज होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब यू शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन। सर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि प्राइस के अलावा फैक्टर्स चेंज होते हैं। और एक्सपेंशन क्यों होता है? क्योंकि प्राइस चेंज होता है, प्राइस के कम होने की वजह से एक्सपेंशन होता है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के चेंज होने की वजह से कुछ केसेस में इंक्रीज होता है, जैसे इनकम बढ़ जाए तो इंक्रीज होगा। समझिएगा, इंक्रीज इन डिमांड कैसा दिखता है? ये आपका नॉर्मल डिमांड कर्व, यहां से आप पहुंच गए यहां पर, मतलब आप डी से डी डैश पे पहुंच गए, या डी वन से डी टू पे पहुंच गए। डी वन से डी टू पे पहुंचने को हम बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट या हम बोलेंगे इंक्रीज। तो हम इस जगह पे पहुंच गए, सही है। अब इसके रीजंस क्या है मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको। सर ऐसा क्यों होगा कि हम एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे ही ज्यादा खरीदने लग जाएं? रीजंस, पहला रीजन आपकी इनकम बढ़ जाए। अरे अमीर हो गए तो क्या होगा? राइट वर्ड शिफ्ट हो गए। सर लेकिन कुछ ऐसे गुड्स भी तो होते हैं जहां पे गरीब होने पर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट और बीड़ी में बीड़ी वाला एग्जाम्पल था। इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होना चाहिए? इंफीरियर गुड्स के केस में आपकी इनकम अगर हो जाए कम तो आप इंफीरियर गुड्स को ज्यादा खरीदोगे, तो उनके लिए राइट वर्ड शिफ्ट होगा। भाई आप कब डालडा खाओगे ज्यादा? जब गरीब हो जाओगे तब, या अमीर हो जाओगे तब? जब गरीब हो जाओगे तब, राइट। ऐसे ही आप सिगरेट कंज्यूम करते हो, बीड़ी का कंजम्पशन आपका ज्यादा कब हो जाएगा? जब आप गरीब हो जाओगे तब। तो ऐसे केसेस में राइट वर्ड शिफ्ट तब देखने को मिलता है जब इनकम कम हो जाए। वैसे नॉर्मल गुड्स के केस में क्या, इनकम बढ़ेगी तो हम कंजम्पशन बढ़ा लेंगे। सर और बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनके प्राइस में क्या हो,
प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कम हो जाए। सर कार का प्राइस कम हो जाएगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। वो बढ़ने का मतलब यहां पर एक्सपेंशन नहीं है, यहां पर उसका मतलब है इंक्रीज। सर बढ़ा दो तरह से जा सकता है, एक तो हुआ एक्सपेंशन जो कि प्राइस के कम होने की वजह से हो रहा है, एक हुआ हमारे प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, किसी और चीज में कुछ हुआ है या किसी और फैक्टर में कुछ हुआ है उसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई। जैसे पेट्रोल का खुद का प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि कार का प्राइस कम हो गया है इसीलिए पेट्रोल की डिमांड ज्यादा हो गई है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होने से जब डिमांड ज्यादा हो जाए तो उसको मैं कहूंगा इंक्रीज। खुद अपने ही गुड्स के प्राइसेस कम होने की वजह से डिमांड ज्यादा हो जाए तो कहूंगा एक्सपेंशन। मैं बार बार बोल रहा हूं, खुद के प्राइस की वजह से चेंज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन, किसी और फैक्टर की वजह से चेंज तो इंक्रीज और डिक्रीज। तीसरा, थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया सॉरी, सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे टी एंड कॉफी, चाय का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। वैसे यहां हो रहा है, मान के चलो ये कॉफी का डिमांड कर रहे हैं, ये क्यों एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे बढ़ गया, क्यों एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे लोग ज्यादा आने लग गए, ज्यादा कंज्यूम करने लग गए, क्योंकि चाय महंगी हो गई है तो चाय वाले छोड़ छोड़ के चाय कॉफी पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाए कैसा, फेवरेबल। और क्या हो सकता है सर, हो सकता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऐसी हो कि फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाले हो तो आप अभी खरीद लेंगे, या फ्यूचर में होने वाली हो शॉर्टेज तो आप अभी खरीद लेंगे। ओके सर, सर और क्या रीजन हो सकता है, पॉपुलेशन मतलब एन नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या पॉपुलेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। सर और क्या रीजन हो सकता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए अनइवन से इवन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाए इवन। ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें डिमांड बढ़ी हुई नजर आएगी, और वो बढ़ना तब होगा बिना प्राइस के, बिना खुद के प्राइस के चेंज किए, मतलब वो ऐसा दिखेगा इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। आई होप ये समझ में आ रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट के रीजन समझ में आ गए, राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम समझ में आ गया सर कि हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। अब सर लेफ्टवर्ड या डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन डिमांड दिखा दो बिल्कुल, अभी आपको बता देते हैं कैसा दिखता है, खुद सोचिए जरा दिमाग में कैसा दिखता होगा। यहां पर नीचे क्वांटिटी, इधर है प्राइस, एक मेरा डिमांड कर्व यहां बना जो है ओरिजिनल वन, लेकिन अब मेरे को इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाना है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाने के लिए मैं क्या करूं, इसको थोड़ा पीछे की तरफ बता, नया वाला डिमांड कर्व इज डी टू एंड दिस इज लेफ्टवर्ड, तो क्या कहेंगे इसको, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि आपकी डिमांड थी डी वन पे, अब पहुंच गई कहां पे, डी टू पे जो कि थोड़ा सा पीछे है, मतलब पहले जो क्वांटिटीज रहा करी होती होंगी अब वो क्वांटिटीज और कम है। पहले मान लो क्वांटिटी रहती होगी सेम प्राइस पे, देखना सेम प्राइस पे पहले क्वांटिटी थी मान लो 10, तो अब सेम प्राइस पर क्वांटिटी कितनी रहती है 6। यहां क्या होता था सर राइटवर्ड शिफ्ट में, राइटवर्ड शिफ्ट में अगर पहले सेम प्राइस पर क्वांटिटी रहती थी लेट्स से 5, तो अब क्वांटिटी बढ़ गई है, हो गई है 10। प्राइस सेम है क्वांटिटी बढ़ गई इंक्रीज, प्राइस सेम है क्वांटिटी कम हो गई डिक्रीज, ये 10 से हम कहां पहुंच गए 6 पे 5 पे, कोई भी कम नंबर पे सेम प्राइस पे। क्यों भाई प्राइस चेंज क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि यहाँ पे इस बार चेंज हुई है अदर फैक्टर्स, तो इसके रीजंस क्या होंगे सर, लिख लेना सारे रीजंस। सर पहला रीजन है कि इनकम हो गई हो कम। सर इंफीरियर के केस में, कौन से गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड कम कब हो जाएगी, जब इनकम बढ़ जाए। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हुआ हो, इनकम हो गई हो ज्यादा। भाई तुम बीड़ी पीते थे, तुम्हारा बीड़ी पीना कम कब हो जाएगा, जब तुम ज्यादा कमाने लग जाओ और बीड़ी से कहां पे आ जाओ, सिगरेट पे आ जाओ। तुम डालडा ज्यादा खाते थे, डालडा से घी पे कब आओगे, जब इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर हो जाए ज्यादा, समझना, कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, उसी को तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलेंगे। यस, तीसरा रीजन सर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम हो जाए। तुम बनाते हो कॉफी, नहीं तुम कॉफी कंज्यूम करते हो, कॉफी की डिमांड कम कब होगी, जब चाय के प्राइसेस कम हो जाए। तो जो लोग कॉफी पीते थे अब वो शिफ्ट हो जाएंगे, कहां चले जाएंगे, चाय पर। फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाए कैसा, अनफेवरेबल, अब लोग प्रेफर नहीं करते। तो भी डिमांड कम हो जाएगी। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर प्राइसेस क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं, तो आप अभी की डिमांड कम कर दोगे। या आपको लगता है फ्यूचर में अबंडेंस होगी, शॉर्टेज का उल्टा अबंडेंस, खूब सारा होता है तो उसको अबंडेंस बोलते हैं, कम होता है तो शॉर्टेज बोलते हैं। नंबर ऑफ पीपल, या मैं जिसको बोलता हूं पॉपुलेशन, अगर किसी एरिया की कम हो जाए तो वहां की डिमांड भी कम हो जाएगी। सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवन से हो जाए अब अनइवन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अमीर और गरीब का जो फर्क है वो अब कैसा हो जाए, अनइवन, मतलब बढ़ जाए, उनमें गैप बहुत हो जाए, तो भी डिमांड कम हो जाएगी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिमांड कम हो जाती है। ये सारे वो रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो था D1 पर, उससे पहुंच गया D2 पर। ये D1 था, D1 से कहां पहुंच गया, D2 पर। लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन डिमांड, आई थिंक आपको शिफ्ट भी समझ में आ गया है। इन सब चीजों को नोट कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, और इस तरह से हमारा पोर्शन डिमांड वाला फिनिश होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।